नमस्कार, सनशाइन क्लासेस जर्डी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं और उसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, आप बुक खोल के रखें सामने, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बोला है, क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली ने गणित का और अंग्रेजी का नंबर देखा तो उसमें नंबर का योग कितना था? 30 था। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। यदि वो गणित में 2 नंबर अधिक पाती और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते उसको तो वो अंकों का गुणनफल जो है 210 हो जाता। तो उसके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। 2 विषय हैं तो माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x मान लेते हैं। माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, कुल कितने अंक हैं? तो कुल 30 अंक हैं। तो 30 में x घट जाएगा तो 30 - x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके अंकों में, अगर मैथ में 2 अंक बढ़ जाता और गणित में 3 अंक कम हो जाता तो उसके गुणनफल का योग 210 हो जाता। तो x प्लस 2, मैथ में 2 अंक बढ़ा दिए, गणित में 3 अंक कम कर देते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देते, 30 - x - 3 बराबर 210। अगर x प्लस 2 और 30 में 3 घटा देंगे तो 27 - x बराबर 210। ये हमारा क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसे आपको हल करना है। हम हल नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत हल किया। इसको हल करेंगे तो आपके पास एक समीकरण आएगा, x² - 25x - 25x + 156 = 0। और इसके बाद आप इसका ए बी सी निकालेंगे, हल करेंगे तो अल्फ़ा आएगा 13 और बीटा आएगा 12। यहाँ से आप एक्स हल करेंगे तो एक्स का मान हमारे पास आएगा, पहले डी निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद आप डी निकालेंगे, डी का मान हमारे पास आएगा 1, फिर एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने से आपका जो वैल्यू आएगा, उसके बाद अल्फ़ा निकालेंगे और फिर बीटा निकालेंगे, जो आपका प्राप्तांक होगा अल्फा बराबर 13 और बीटा बराबर ये। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? तो अल्फा बराबर आ जाएगा 13 और बीटा बराबर आ जाएगा 12। यदि गणित में प्राप्त किए गए अंक 13 थे तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 17 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ एक्स का वैल्यू बिठा देंगे, अगर एक वैल्यू, दो वैल्यू, जो भी बैठाना होगा तो आप इसे हल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक आप पे हल करके दिखाया, सभी क्वेश्चन का इसी तरह हल कर देते हैं, इसके बाद आप हमें हल करके दिखाएंगे। लैंग्वेज वाले सब क्वेश्चन हैं, आप समीकरण बनाने में दिक्कत होता है आपको, तो हम समीकरण तक बना दे रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजाक से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार विकर्ण है, उसकी खेत का जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि छोटी भुजा 30 मीटर से अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि छोटी भुजा जो है वो 30 मीटर है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो मान लेते हैं खेत के विकर्ण की छोटी भुजा एक्स है, ठीक है। माना कि खेत के विकर्ण की छोटी भुजा बराबर एक्स, ठीक। अब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, 30 मीटर अधिक कह रहा था, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस तीस, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है कि विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 60। अगर इसे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये हमारा एक खेत है, ये छोटी भुजा x है, ये x प्लस 30 है, और यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है जो x प्लस 60 है, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल ना पढ़ लेते हैं एक बार, और खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा क्या है, यानी ये भुजा और ये भुजा ज्ञात कर। आप देखिए खेत पर मत चलिए या त्रिभुज पर चलिए, एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है आयताकार 90 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर्ण स्क्वायर और लंबा स्क्वायर की बात करेंगे, लिखेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो कर्ण क्या है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब क्या है, तो लंब x है तो x का स्क्वायर, आधार क्या है, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। आपको इसको हल करना है, हल करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण क्या है, तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, ये आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आपको d निकालना है, इसे हल करना है, d आएगा 14400, ठीक है। इसके बाद आपको अल्फा बीटा निकालना है, आप जो हल करेंगे वो आप आंसर पाएंगे। हम समीकरण तक बना दिया कर दे रहे हैं, इसके बाद आपको हल करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप हल करें, हमने बहुत क्वेश्चन बताया कैसे हल किया जाता है, आपको ए बी और सी निकालना है, डी के लिए फार्मूला लगाना है, द्विघात समीकरण का उपयोग करना है और बना देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, और अगर हम लोग छोटी संख्या की बात करें बोल रहा है कि बड़ी संख्या, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 180 है, और छोटी संख्या बड़ी संख्या से 8 गुना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितनी है, तो 8 गुनी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जिसमें दो शर्त मान लेते हैं। पहली शर्त से क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, यानी 8x है, यानी छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 8x, या स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो रूट में होगा, तो छोटी संख्या क्या निकल गया, तो रूट 8x, ठीक है। दूसरी शर्त की बात करें,
दूसरी शर्त से तो एक और कंडीशन कह रहा है, दूसरा शर्त में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, इसको यहीं यहाँ भी लिख सकते हैं 8x। ठीक है, तो लिखेंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या